धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। लग रहा है नवाब मलिक ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस को ड्रग माफियाओं का सरगना बता दिया है, उनकी पत्नी की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं इस बड़े बम धमाके से। बड़ा बम धमाका हुआ है जिसको देवेंद्र फडणवीस फुलझड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दीपावली के बाद मैं एक बड़ा खुलासा करूंगा, बड़ा धमाका करूंगा नवाब मलिक के बारे में कि उनके अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े हुए हैं। ये मामला सामने आने के बाद, मतलब ये इसके खिलाफ बयान, बोस के खिलाफ बयान देने का मामला सामने आने के बाद असल मुद्दा कहीं भटक गया है। असल मुद्दा कुछ और भी है जो आज नवाब मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया। हम आपके सामने नवाब मलिक ने क्या कहा, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, एक खबर पहले रख चुके हैं लेकिन इस खबर को भी आपको देखना बेहद जरूरी है क्योंकि नवाब मलिक ने सीधे तौर पर दो लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाने की और राष्ट्रपति के पास जाने की धमकी दी है या सीधे तौर पर कह सकते हैं ऐलान किया। एक शख्स है रामदास अठावले, कहा कि वो एक केंद्रीय मंत्री है और जिस तरीके से वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक आरोपी के साथ, उससे उसकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उसको ऐसा करना चाहिए, उस मामले की वो राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे। वहीं SC ST कमीशन जो है उसके उपाध्यक्ष अरुण हलधर जिस तरीके से घर जाके आरोपी के मिल रहे हैं और आरोपी के घर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां दस्तावेज उलट पुलट रहे हैं, उससे उनकी वैधानिक जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है वो बीजेपी के नेता होंगे लेकिन अब वो एक वैधानिक सीट पर बैठे हैं और उनको अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करना आना चाहिए। आखिर वो कैसे कह सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट सही है या गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक गाइडलाइन पहले से बना रखी है। क्या है वो गाइडलाइन, क्या है प्रक्रिया सर्टिफिकेट को जांचने की और क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं SC ST कमीशन उपाध्यक्ष की भूमिका पर और सीधे तौर पर रामदास अठावले की भूमिका पर, आप खुद सुन लीजिए नवाब मलिक की जबानी। साथियों, कल शहर में आप लोगों के साथ दो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ चीजों पे बातें आपके सामने रखी। पहले देश के SC कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन अरुण हलधर जी ने मीडिया से बात की। परसों उन्होंने कहा था कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। चौंकाने वाली बात है कि एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम होते हुए फर्जीवाड़ा करके फर्जी दस्तावेज पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी हासिल करने का काम किया। अरुण हलधर जी एक वैधानिक पद पे बैठकर उस व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके ऊपर शक की सुई है, उनके घर पे जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। उसके बाद देश के सोशल जस्टिस राज्य मंत्री जिनके पास सोशल जस्टिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिनका काम है जो देश में उदित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण हलधर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि SC कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं। जनरली होता है कि कोई व्यक्ति
उस पर अन्याय हो तो वो अपनी शिकायत कमीशन के पास दर्ज कराए और कमीशन उस पर जानकारी जुटाए और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके जांच करनी है तो किसी भी व्यक्ति को संस्था को अपने जो उन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार है उसमें संबंध करके उसकी सुनवाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार करके वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और सिफारिश करते हैं कि क्या सरकार करे और पार्लियामेंट के पटल पर वो रिपोर्ट रखी जाती है। ये कार्यशैली और कार्यप्रणाली है। जहाँ तक किसी का सर्टिफिकेट फर्जी है उसे जांचने का उसे प्रमाणित करने का अधिकार शेड्यूल कास्ट कमीशन को नहीं है। देश में के रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1994 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। जब देश में फर्जी सर्टिफिकेट की बाढ़ आ गई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया कि देश में हर जिले में जो सर्टिफिकेट फर्जी हैं उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। उस कमेटी की अध्यक्षता ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी या उस लेवल का अधिकारी उसकी अध्यक्षता करे। उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टरेट है उसका एक अधिकारी हो, पुलिस का एक अधिकारी हो और जो भी शिकायत आए उस शिकायत को कौशी जुडिशियल अधिकार उन्हें न्यायालय के अधिकार दिए गए, वो न्यायालय के अधिकार के तहत सारी जांच प्रक्रिया को करें और उसके बाद उसमें निर्णय लें। अगर वो निर्णय किसी को मंजूर नहीं तो सीधे वो हाईकोर्ट में अपील में जा सकता है। हाईकोर्ट का निर्णय उसे मंजूर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन एससी कमीशन को ये सारे अधिकार नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अरुण हल्दर जी का व्यवहार किया और वहां पे मीडिया से संवाद करना, मीडिया के जरिए पूरे चित्रीकरण कराना, हमें लगता है ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इतनी जल्दबाजी उनको क्या है? क्यों इस तरह का आचरण वो अपना दिखा रहे हैं? क्या एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के आचरण रख सकता है? ये सारी चीजों का हम देश के राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे, सोशल जस्टिस मंत्री को भी शिकायत करेंगे कि जिस पद पे आपने व्यक्ति को बिठाया वो जो कौशी जुडिशियल अधिकार है किसी संस्था का जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया गया, उन अधिकारों को अपने अधिकार में ले रहा है, इससे बड़ा ब्रीच कुछ हो नहीं सकता। हम राष्ट्रपति महोदय को ये सारी घटना की कंप्लेंट करेंगे, साथ ही साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर को लिखेंगे और मांग करेंगे इस आचरण इस घटनाक्रम की जांच हो कि उनका मोटिव क्या था, क्यों इतना वो ममत भाव एक व्यक्ति को दिखा रहे थे जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया, देश में एक होनहार दलित बच्चे के अधिकारों को छीना। और ये भी मुझे धमकी उन्होंने दी है कि ज्यादा बोलेंगे तो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर कार्रवाई करके जेल में डाल देंगे। हमें लगता है कुछ ज्यादा वे बोलते हैं। सवाल खड़ा है कि जो व्यक्ति दलित ही नहीं उसको लेके आप डराने का मुझे काम करते हैं। हमें लगता है कि हमारा भी राजनीतिक अनुभव है, सभी व्यक्तियों को मर्यादा में रहना चाहिए, अपने पद की गरिमा संभालनी चाहिए और साथ ही साथ दूसरे के अधिकारों को कहीं भी हनन करने की कोई भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इसकी कंप्लेंट करेंगे।
सुन लिया आपने, नवाब मलिक ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है, यानी कि वो एक और जहां पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल होकर सरकार चला रहे रामदास अठावले से और SC ST कमीशन की भूमिका पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लग रहा है कि मैदान पूरी तरह सज चुका है, जंग कब होगी, उस जंग में किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, अभी कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन प्रोपेगेंडा रच रहा था, कौन क्या कर रहा था, और उस बारे में जांच कराने को तैयार अभी भी नहीं है केंद्र सरकार। जो NCB की ओर से विजिलेंस टीम बनाई गई थी वो भी गई और वापस लौटाई, उसने अपनी जाँच तक पूरी नहीं की। इतने तमाम खुलासे होने के बाद भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी इन तमाम चीज़ों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ सवाल महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी खड़ा हो रहा है कि कब तक वो सिर्फ अपने इस मंत्री यानी कि नवाब मलिक से खुलासे करवाती रहेगी, या कोई जांच आयोग जांच कमीशन बनाकर पूरे मामले से पर्दा उठाने का काम करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कर्नाटक में सरकार चली गई, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार चली गई और जगह पे कहीं जगह सरकार चली गई, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा प्रकरण महाविकास अघाड़ी सरकार की बलि ले जाए और भारतीय जनता पार्टी जो सपने सजोए बैठी है तमाम इन चीज़ों के जरिए सरकार को गिराने का, जैसा आरोप उद्धव ठाकरे ने भी लगाया है और तमाम लोग लगा चुके हैं और संजय राउत भी लगाते रहते हैं आए दिन, कि सरकार गिर जाए और फिर से शिवसेना और BJP की सरकार दिखाई देने लग जाए। क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नज़र बनाए रखना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, पल पल का अपडेट तो आपको दे नहीं सकते लेकिन कुछ खास चीज़ों से ज़रूर आपको रूबरू कराने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।